अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे फाइनल टर्म का सिलेबस। हमारा सबसे पहला टॉपिक है फैलेसी ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक। फैलेसीज ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक रिवॉल्व अराउंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपोजिशन। द फोकस इज ऑन द यूज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ द क्वांटिफाइंग वर्ड्स सच एज ऑल और सम। फैलेसी ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक है क्या? फैलेसी ऑफ क्वांटिटेटिव लॉजिक प्रोपोजिशन के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। ये फोकस करती है क्वांटिफाइंग वर्ड्स पे, सच दैट ऑल और सम। कंसीडर दिस एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है ऑल फिलोसफर्स आर वाइस, कि तमाम फिलोसफर्स वाइस हैं, अकलमंद हैं। वी कैन फाइंड अ फ्लॉ इन द अबव स्टेटमेंट बाय सिंप्लीफाइंग, फाइंडिंग अ काउंटर एग्जांपल। हमने जो अभी हमने ऊपर हमने एक स्टेटमेंट दिया ऑल फिलोसफर्स आर वाइज, उसके अंदर हमने एक फ्लॉ देखा, एक ऐप देखा। वो क्या था हमारे पास? दैट हमने उसकी पहले तो काउंटर एग्जांपल फाइंड की। काउंटर एग्जांपल कहते हैं उसके रिवर्स एग्जांपल, उसके कन्वर्स एग्जांपल को, ठीक है। ऑल द फिलोसफर्स आर नॉट वाइज, के तमाम फिलोसफर्स वाइज नहीं है। सिंस द फैक्ट ऑफ द बींग वाइज इज एब्स्ट्रैक्ट, अकलमंद होना एक खुलासा है। हाउ वी ट्रूली नो इफ समवन इज वाइज और नॉट, हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि समवन इज़ वाइज और नॉट, कि कोई बंदा किस अकलमंद है या नहीं है। सी हाउ द स्टेटमेंट चेंजेस विद द यूज़ ऑफ अ क्वांटिफायर वर्ड। अब हम किस तरह से क्वांटिफायर वर्ड को यूज़ करते हुए अपनी अबव स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, दैट द सम फिलोसफर्स आर वाइज। दिस स्टेटमेंट इज़ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, ये स्टेटमेंट हमारे पास अबव स्टेटमेंट से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज इट अलाउज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द सम काउंटर एग्जांपल्स, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है, ये अलाउ करती है कि कुछ काउंटर एग्जांपल्स हम देख सकें। हाउएवर प्रॉब्लम अराइजेज विद दिस क्वांटिफायर, इस क्वांटिफायर के साथ हमारे पास क्या प्रॉब्लम अराइज होगी? दैट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द वाइज फिलोसफर्स इज नॉट नॉन, कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि वाइज फिलोसफर्स कितने हैं, 100 हैं, 90 हैं, 98 हैं, 95 हैं, कितने हैं हमारे पास, ठीक है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता हमें। So we must infer from this statement that the some philosophers are not wise. तो हम कुछ उसमें infer करेंगे, कुछ changing लेके आएंगे उसमें अपने above statement में, which is that some philosophers are wise. अब हमने क्या कहा? Some philosophers are not wise, कि मतलब कुछ philosophers wise नहीं है, बाकी सब wise हैं, ठीक है। Let's look at another example. Or conservatives are republicans, therefore all republicans are conservatives. Republicans. Or all liberals are democrats, therefore all democrats are liberals. ये कहते हैं क्वान्टिटेटिव लॉजिक, मतलब क्वान्टिफाइंग वर्ड्स जिसमें आते हैं, जिसमें प्रपोजिशन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। नीचे आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और उसके बाद MCQs दिए हुए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्वान्टिटेटिव लॉजिक से रिलेटेड, ठीक है। यह था हमारा फर्स्ट टॉपिक फाइनल टर्म का, दैट इज़ फैलेसीज ऑफ द क्वांटिटेटिव लॉजिक। क्या किया इसमें हमने? क्वांटिफाइंग वर्ड्स को डिस्कस किया, दैट इज़ ऑल और सम। पहले हमने कहा ऑल फिलोसफर्स आर वाइज, फिर हमने उसको चेंज किया, उसमें फ्लॉ देखा था हमने स्टेटमेंट में, तो हमने उसको चेंज किया सम फिलोसफर्स आर वाइज। फिर इसमें भी हमने कुछ ना कुछ क्वांटिफाइड वर्ड्स के साथ हमें कुछ ना कुछ मसला लग रहा था कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता कि कितने फिलोसफर्स वाइज होते हैं, तो हमने फिर इस चीज़ को इन्फर किया दैट द सम फिलोसफर्स आर नॉट वाइज, ठीक है। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ऑल कंजर्वेटिव आर रिपब्लिशियंस, देयरफॉर ऑल रिपब्लिशियंस आर कंजर्वेटिव, और ऑल लिबरल्स आर डेमोक्रेट्स, देयरफॉर ऑल डेमोक्रेट्स आर लिबरल। आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं, वो आप लोगों ने इसके साथ ही कर लिया टॉपिक के साथ।